कौन भोग रहा है ये पीछे भोग आधे घंटे से बर्दाश्त कर रहा हूँ बहन की आँख। अरे क्या कर रहे हो आप तो मैं जो कह रहा हूँ ना आप वो सुने बिठा इसको इधर आधे घंटे से बर्दाश्त कर रहा हूँ क्यों भोग रहा है आगे ले क्या आधे घंटे से सुन रहा हूँ तुम लोग भी बच्चों की इधर लेकर आओ इसको इधर लेकर जाओ इधर लेकर आओ इधर बीच में लेकर आओ इसको लेकर आओ इधर इसको साले को मेहरान और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों से ये कहने के लिए कि पिछले पार्ट पे आप लोगों ने 50,000 लाइक्स करवा दिए थे और जैसे मैंने 40 बोले थे आप लोगों से आप लोगों ने 50 करवा दिए तो मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आ गया और ये पार्ट पिछले वाले से काफ़ी डिफरेंट बना है इसमें लड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा और इसका नेक्स्ट पार्ट अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों ने मेरी लालच बढ़वा दी 40 बोले थे आप लोगों ने 50 करवा दिए इस वीडियो पे 60,000 लाइक्स चाहिए 60,000 लाइक्स अगर इस वीडियो पे होंगे पार्ट 5 में इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगा तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और कमेंट करके आप लोगों ने बताना है कौन सा पार्ट या कौन सा डायलॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है ताकि हमें आइडिया होता रहे कि आपको क्या पसंद आ रहा है। बाकी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और बेल आइकन को दबाना है। मैं आपसे वीडियो के बाद मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। ये दो न्यू स्टूडेंट्स हैं आज से तीन हैं सॉरी इन्होंने आज से स्टार्ट किया आज से ज्वाइन किया ओके तो आप इनको देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम कैसे सब बहुत अच्छा लग रहा है बहुत टाइम आराम से पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाएं बच्चों को। मेरा इंट्रोडक्शन मेरा नाम मेहरान हाशमी इमरान हाशमी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ लड़कियाँ कहती हैं मेरी हरकतें भी वैसी हैं। और आपका? मेरा नाम है अशफाक मैं ज़िंदगी से जो है ना नाखुश हूँ। उसका क्या कसूर है उसको भी तो पूछ लो। मिस्टर इंडिया की घड़ी पहनी है क्या उसने आपको लाल चश्मा दो ओके मेरा ये जिसकी ज़िंदगी में जाते हैं उसकी ज़िंदगी से उजाला ख़त्म हो जाता है। हम लोग अपनी मर्जी से हमें लगता है हम इंग्लिश सीख के दुनिया में कुछ उखाड़ लेंगे। अरे क्या बात पढ़ना चाहते हैं मुझे मेरी नज़र कमज़ोर है मैं आगे बैठूँगा अब उठो हैं पीछे उठो शराबत से उठो अबे पागल है क्या उठ जाया हो जाएगा खाम खाम तमीज करें पीछे हो जाए गेट आउट। मैडम एक बात बताऊं हेलो हाउ आर यू हाय कैसी तबीयत ठीक है आप पढ़ने आए हैं हेलो आए पढ़ने आए मैडम मेरे क्लास फेलोज हैं इनसे सलाम दुआ करूंगा कल को इनसे हेल्प लूंगा कुछ समझ में नहीं आएगा इनसे पूछूंगा ना मैं बता दूंगी आपको। अच्छा आप बताएं मैडम आप मुझे बताएं एक सवाल है मेरा ए से क्या आता है आपने नहीं पढ़ा कभी एबीसी नहीं पढ़ी मैडम मैं आपको बताऊं ए से कुछ भी तो नहीं आता हर चीज पैसे से आती है आप ए लेके दुकान में जाओगे ना एक किलो आटा दो ए से वो कुछ भी नहीं देगा पैसे से मिलता है सब ए बी से कुछ नहीं आता हर चीज पैसे से आती है। सबसे पहले क्या होता है मैडम एक प्रॉब्लम है आपको पता है मैं बहुत ज़हीन बच्चा हूँ मैं 25 दिन बिना सोए रहा हूँ क्योंकि मैं रात को सोया करता था। मैडम आप ध्यान देना स्टूडेंट को ध्यान में उनको उनसे बात ही कर रहा ओके सॉरी मैडम मेरा एक और सवाल है प्लीज़ एक सवाल दुनिया में सबसे अकलमंद आदमी कौन है आप बताएं ना आपसे पूछ रहा हूँ नहीं नहीं मैं दुनिया में पूरी दुनिया में मुझसे क्या लेना देना मैं बताऊँ यकीन करें मुझे पता है दुनिया में सबसे अकलमंद आदमी पता कौन है सुपरमैन चड्डी बाहर पहनता जो चीज़ लोगों को दिख नहीं रही अंदर पहनने की ज़रूरत क्या है वो अकलमंद बाहर पहना बाकी जो अंदर पहने बेवकूफ़ है। मैडम मैं लॉजिक दे रहा हूँ जो चीज़ नज़र नहीं आ रही उसको अंदर पहन रहे बेवकूफ लोग सुपरमैन अकलमंद बाहर पहनते आपको अकल है हाँ ओके कुछ पढ़ाए देखिए तो सही मैडम पैसे देंगे पैसे दे के आए
प्रिंसिपल ने पैसे लिए हमको साइलेंट 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 मैं तो बोला ही नहीं अभी तक ओके आप तुम पहले मुंह मिस पढ़ा है जी 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 मैं पढ़ा दूंगी हां पढ़ा स्टार्ट ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सी फॉर एनर्जी क्लास नहीं ली आप इंग्लिश सीख नहीं आते सी फॉर वो आते हैं जो आधे से ज्यादा लोग यहाँ बैठे जी जेंटलमैन की मिसाल सामने आपके ओके मैडम एक और लॉजिकल सवाल पूछो आपसे एक साल में लॉजिकल सवाल यकीन करें एक साल में कितने सेकंड होते हैं जनरल नॉलेज का सवाल है 12 टीचर आप 12 होते हैं सेकंड जनवरी सेकंड फरवरी सेकंड मार्च इस तरह काउंट कर कितने 12 मैंने सेकंड्स की बात की नहीं सेकंड की बात की जहीन बच्चा आप बहुत बकवास कर रहे हैं मैडम मेरे होते हुए मेरे एनवायरनमेंट में ये बच्चे अकलमंद होंगे जहीन होंगे ये बच्चे ये एक से एक होनहार बच्चा निकलेगा उनमें से कोई आइंस्टाइन भी निकलेगा यकीन करें ये ऐसी हेल्पफुल बनेगी ना जो एंड में बैठी हुई इतनी हेल्पफुल बाहर कोई गधा गाड़ी में भी जा रहा होगा उसको भी कहेंगे प्लीज अपना सीट बेल्ट बांध इतनी हेल्पफुल होगी ये सर्जन बनेगी इतनी नॉलेज है तो पढ़ने क्या आए आप लोग यार मैं आप किताब ही ढूंढ रही हैं पढ़ा रही हैं अभी कुछ भी नहीं पढ़ा चलो अच्छा हम चुप हो गए मैडम चुप हो गए आई कैन स्पीक इंग्लिश आई कैन वॉक इंग्लिश आई कैन टॉक इंग्लिश आई कैन लव इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज यस You're such a loser. अभी तक हमने कोई गेम खेला ही नहीं है आप लोग बाहर जाएं क्लास से। अच्छा मैडम सॉरी सॉरी अब नहीं बोलेंगे और कम नहीं बोला कर मुझे बहुत कुछ याद आ जाता है दो मिनट पहले हम ताजे बच्चे हैं फ्रेश अच्छा मैडम एक और बात है आपने हमको बोला हमें पढ़ना नहीं आता हम लोग जाहिल हैं मैं आपको एक बात बताऊं मैं चौथी क्लास में फर्स्ट आया था फिर फिफ्थ में सेकंड और सिक्स्थ में थर्ड तू बता फर्स्ट के बाद मैं नीचे क्यों आया यार एक ही पोजीशन में इंसान बोर हो जाता है पोजीशनें चेंज करनी पड़ती है कभी आगे कभी पीछे कभी ऊपर कभी नीचे कभी एक कभी दो कभी तीन कभी चार अच्छा वो नहीं मैं फर्स्ट सेकंड की बात कर रहा हूँ अच्छा क्या बात है वो मुझे दिख रहा है मैडम इसके पिन वाले चार्जर जैसा मुंह है इसका वो पिन वाला चार्जर नहीं होता अच्छा मैं कर ही नहीं रहा मैडम आप चले हमें सवाल नहीं ये कच्चे अमरूद से ही सवाल पूछ लो अच्छा मैडम मैं आप पढ़ाए चले भाई मैडम को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा ओके अभी कोई नहीं भोगेगा अभी सिर्फ मैडम बोलेंगी मेरा मतलब है मैंने मुंह से निकल गया उनके लिए बोला था सॉरी नहीं मैं सच में मेरे मुंह से निकल माजरा अच्छा तो हाँ रियली सॉरी मैडम प्लीज प्यार से बोलो मेरी तरफ से सॉरी बोले ना मैंने बदतमीजी में सॉरी अब पढ़े कोई नहीं बोलेगा अभी पढ़ा है मैडम अभी चुप मैडम का किताबें खोले चले पढ़ने आए ना किताबें खोले एक ही किताब एक ही है किताब यहाँ से आए ना हम लोग हाफ पढ़ते मैडम आप लड़कियों से फ्री नहीं हो सकते मेरे पास है नहीं फ्री होने नहीं देते मेरे पास पेन नहीं है मैडम मैं आप हाँ पेन है कॉपी नहीं है मैडम मैं इनके साथ थोड़ा थोड़ा लिख लूँगा इनके साथ थोड़ा शेयरिंग में कैरिंग है ना आप अपनी बुक साइड में किताब नहीं नहीं चाहिए मैडम किसी किसी की तो किताब पे लिखना मतलब क्या होता है टीचर मुझे नहीं पता और किसी टीचर है अच्छा आप पढ़ा जैसे भी टीचर हूं स्टूडेंट की हूं आप पढ़ा लेना प्लीज क्या है हम स्टूडेंट नहीं है आप किताब ही देख रही हैं याद कर रही हैं आप किताब ही पे ले रहे हैं आप लोग डिस्टर्ब किए जा रहे हो ओके सॉरी भाई नहीं बोला ना नहीं आ रही समझ उनको चुप करा ना पीछे वालों को नहीं बोला ना भाई क्या हो गया वो तो अंदर ही घुसा हुआ है किताब पता नहीं क्या कौन सी डिग्री हासिल करने आया है ये
मेरी बात सुनो, काले सांप जैसा मुंह नहीं है उसका, वो भी वैसा सांप जिसके में जहर भी नहीं है, बिना जहर का। ये आप बहुत बोल रहे हैं, वरना क्या करेगा तू? ये पढ़ाई पढ़ाई से अबे मेरा मुंह मैं बोलूंगा। एक्सक्यूज मी, आप थोड़ा क्लास में पढ़ने आए हैं तो पढ़ने दो उसे। अरे ये एलियन 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 भी बोला, ये बीच का बोला, बीच का मैडम। मैं आपकी वजह से कुछ नहीं बोल रहा, ऐसे नल्ले मेरे से बात नहीं करते, मैं आपकी वजह से कुछ नहीं बोल रहा। मैडम मेरी मेरी उम्र क्या है? गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में आता ना, आई एम ग्रूट, ये बोलिए। और उम्र की क्या बात करती है? मैं इनसे एक साल छोटा हूँ। मैडम आप बढ़ा ले, आप मुझे ये बता कि शादी हो गई? अगर नहीं हुई है तो अच्छे रिश्ते हैं, मेरा मैरिज ब्यूरो। आप लोग मेरी शादी की फिक्र नहीं करें। नहीं आपकी हो गई है वैसे? जी हो गई है। मैं पार्ट, ये पार्ट टाइम तलाके भी करवाता हूं। सॉरी, दो क्या है आपके बच्चे? माशाल्लाह यार हैं। अच्छा आपके दो बच्चे भी? बच्चे आपको बार मिस मिस बोल रहे थे, मिस काहे की? फिर दो बच्चे के बाद मिस कैसे? आप लोग का मैटर नहीं है, आप लोग किसी को अगर आपके एरिया में खुला चाहिए मुझे बताना। हाँ बता दूंगी, तुम पहले पढ़ तो लो, वकील बाद में बनना। वकील वकील नहीं हूँ मैं, वैसे ही खुला था मैं, इतनी मैं डिस्प्ले लेके मैं देखे तो देखा पढ़ाई नहीं कुछ। अच्छा क्लास सबसे पहले तो मैं आपसे ही पूछूंगी, थोड़ा दे ना, इतनी कंजूस क्यों है? अरे आप छोड़े ना, क्या बता मुझे, मैं इनको पढ़ाऊंगा। बताए बताए बता, वर्ड बता, वर्ड बताएंगी तो आगे बढ़ेगा ना। चलो आप ले लें कंजूस, ये आप दे लें। थैंक यू। बोले बोले, आपके बातों में जान नहीं है, आप अपनी किताबें सही से नहीं पकड़ सकती हैं। हमको तो पता नहीं कहाँ से जाहिल उठ के आगे पढ़ने के लिए। लड़कियों को हमारे मैडम जाहिल हो तभी तो पढ़ने आए हूँ। तो मुंह बंद करके पढ़ जाए। ओके बोले पढ़ाए। ये अच्छा था है ना? वो भी फ्यूचर में अभी हो रही है। मैं दो दो के साथ भी मेरा मसला नहीं है, उससे इस्लाम में चार जायज है। आपके पास कोई है रिश्ता तो दे दो एक। मैडम वो रिश्ता ऑफर कर रहे हैं, मैं लूंगा नहीं। बोल रहे हैं मेरे पे रिश्ते हैं। आप यहाँ पढ़ने हैं, वो जो है बुलाए। अच्छा भाई पढ़ रहे हैं, आप छोड़ दो पढ़े प्लीज। मैडम आपके बिहाफ पे मैं इसको चुप करूँ? मैं साहब से एक बार इजाजत दे, सब दूसरों को बाहर निकाल दो। ये खट्टे अमरूद जैसे मुंह वाले को चुप करो। आप एक बार इजाजत दे, इमली को निकाल दे, बाहर फेंकूंगा मैं। एक बार इजाजत दे, मैं आपके लिए चुप हूं। तुम खामोशी से बैठ जाओ बस। बैठिए ओके भाई जान। ये पीछे वाले बंदे को देखना, ऐसा लगता है 440 वोल्ट का करंट लगा उसको। तो तुम्हारे हंसने के लिए बोला ही नहीं किसी ने? तुम्हें हंसा बोल रहा है, बहुत फनी था। तुम्हारे फेफड़े फट गए हंस हंस के, ये हंसने का शौक है शीशा। तुम्हारी आंतें निकल गई पिछवाड़े के रास्ते से। क्लास का माहौल खराब हो रहा है इनकी वजह से, इनकी वजह से माहौल खराब हो रहा है क्लास का। इनको बोले ड्यूटी लगा। अबे तुम लोग की वजह से माहौल खराब हो, तुम सालों को गैस है, माहौल खराब नहीं करो। आप बोल रही है माहौल खराब हो रहा है, मेरे को समझा रहा हूँ। आपकी लैंग्वेज इतनी वाहियात है, आप बाहर जाओ। सॉरी मैडम, आपको पता है बहुत प्यारी लगती है। मुंह बंद रखें आप। ओके मैडम पढ़ा भी लें, हम चुप हो गए। पढ़ा लूंगी, आप खामोश हो जाएं। मैं 10 मिनट से खामोश ही हूँ। अच्छा सायरा मुझे ये बताएं, सायरा कौन है मैडम? साहब का नाम सायरा है, माशाल्लाह नाइस नेम। क्या करते हैं? कंगलो तुम लोग नहीं देखो, तुम लोग की बात नहीं हो रही। वो तो गटर साफ करते हैं उधर। देखिए हम बहुत बदतमीजी करते हैं, अब क्लास का माहौल खराब करते हैं। चुप हो गया मैडम। और बिजनेस रूम है, तजारत करने वाली औरत। बहुत बहुत अच्छा जवाब दे, तालियां। तारीफ नहीं करो,
पीछे कोई बर्गर आया हुआ है। मैं उनसे बात करना जरूरी समझता। मैडम सबसे सवाल पूछा, हमसे भी तो पूछे, हमने भी पैसे भरे। एक मसला है भाई, मुझे तो लड़की ने बोला था आई हेट यू। अरे क्या हो रहा है? अच्छा अच्छा मैडम, मेरे पास अभी देखो पढ़ाई, मेरे पास एक सवाल है। एक लड़की थी, एक लड़की थी यार, वो एलियन को चुप करा जादू को, आइला जादू, आइला जादू, माँ मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, माँ माँ मुझे धूप चाहिए, माँ देखिए। एक सवाल है मैडम मेरा, सीरियस सवाल, सीरियस नहीं हुआ रास्ते चला जाऊंगा, सीरियस सवाल नहीं हुआ चला जाऊंगा खुद। 50 फुट का लैडर है, उससे एक लड़की गिरी फिर भी मरी नहीं, क्यों? आखिरी स्टेप से गिरी थी ना यार। देखो सिंपल यार, लॉजिकल, क्यों बाहर जाए? बाहर क्यों जाए? लेकिन आपके स्टूडेंट मोबाइल भी लाए, किसी का बच रहा है अभी, इन सब की बचेगी? कौन भोग रहा है ये पीछे? आधे घंटे से बर्दाश्त कर रहा हूँ बहन की आँख, आधे घंटे से बर्दाश्त कर रहा हूँ। इधर उधर का टेबल, टेबल इधर उधर का, इसके बालों पे करंट लगा हुआ, इसको देख ये बोल रहा है। आप तुम्हें जो कह रहा हूँ ना, आप वो सुने बिठा इसको, आधे घंटे से बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्यों भोग रहा है? आधे घंटे से सुन रहा हूँ तुम लोग, इधर लेकर आओ, इधर लेकर आओ, बीच में लेकर आओ, इसको इसको लेकर आओ, इधर इसको साले को मैं मारूंगा, इसको इधर बैठ, उधर बेहद हटो, पीछे को देखेगा, देख अपने घर वालों को भी दिखाओ, मैं देखूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, क्या हुआ? सुन ले, मजाक मजाक कर रहे हैं आप लोग, इस तरह का मजाक होता है, इस तरह का मजाक होता है, कैमरे लगे हुए, एक वहाँ एक वहाँ, हाथापाई का मजाक। मैडम पढ़ रहे नहीं है, पढ़ रहे नहीं है, पढ़ रहे आ ही नहीं है, वो कैमरा देखिए उधर, एक एक उधर, उधर देख, उधर देख, जो मैं लाई थी ना उन्होंने ही सारा ये करवाया, एक कैमरा वहाँ एक वहाँ, फिर इससे प्रैंक कर रहे थे, पढ़ने वढ़ने नहीं है, रियली सॉरी। बैठो बैठो आप सारे बैठो, ये हमने क्लास को, मैडम प्लीज बैठे, लड़कियों ने फिर साबित कर दिया, वो मैं सब कोने चली गई, बोले माँ की आँख मार खाने दो उनको, बैठे सारी लड़कियां पहले बैठे, मैडम रियली सॉरी, बैठे सारे, इनको पहले बैठा, इनको बैठे, बैठो 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 जानी, आप सबसे माजरत चाहूँगा मैं, सबसे आप लोगों से, और मैडम आपसे दिल से माजरत, हमारा काम है, हमारा धंधा है ये, हम कर रहे थे प्रैंक यूट्यूब पे, हम लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो हम यही कह रहे थे आप सबसे सॉरी, आई एम रियली सॉरी मैडम। व्हाट सॉरी? यहां किसी को कुछ हो रहा था तो? मैंने कौन सा छोरा मार दिया उन्हें? मार उल्टा मैंने खाया, मैंने हाथ किसी पे उठाया नहीं है, हाथ उठाते नहीं हम, टीचर अच्छी है, और ये दोनों स्टूडेंट भी काफी क्यूट है, ये कितनी क्यूट है, ये आप कहाँ लेती? मैं घर लूंगा, लेकिन कब पढ़ाए नहीं ना, हम पढ़ने आए ही नहीं है, हम प्रैंक करते हैं यूट्यूब पे, मेहरान हाशमी सर्च करें यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा मेरा चैनल, हम जा रहे हैं। मैडम आप सॉरी तो एक्सेप्ट करें, हमारी अपॉलॉजी तो एक्सेप्ट, आई एम रियली सॉरी मैम। मैडम प्रैंक हो रहा था, कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, असल में ऐसे नहीं है। और अगर कोई स्टूडेंट सच में आपका किसको मारा, मेरे पांव पे लगी, मारा किसको? फड़वा लेते सर अपना,
और क्या? अच्छा बस सही है, आप हमारी सॉरी एक्सेप्ट कर रही हैं? एक्सेप्ट कर लिया मैडम ने, एक्सेप्ट कर लिया। मुबारक ले लीजिए। किसका? हम दिला देंगे। और बोलो कितना? बस 5,000 वाला दे दे। जल्दी दे, तू भिखारी है तू, कोई तेरे को क्या प्रैक्टिस है इस चीज़ की? दे देंगे यार, तुम अपना धंधा थोड़ी देर के साइड पे रखो और हमें अपने धंधा करने दो। मैडम एक बार कैमरे में प्लीज हाथ हिला दे, प्लीज मुस्कुरा के। आप लोग भी, आप अपनी क्यूट स्माइल से जरा, और आप लोग भी हिला लो, वो आपको तो आदत है ना हाथ हिलाने का। हाँ ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे मज़ीद वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, जितने ज़्यादा लाइक होंगे बहुत जल्दी वीडियो आएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।